हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में क्लास 12th के बोर्ड के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे मैंने बनाए हैं। आप पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देख लोगे तो इस चैप्टर से तो क्वेश्चन पक्का नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। और वीडियो पॉज करके आंसर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके 15 में से कितने मार्क्स आए, ठीक है। और शेयर करना दोस्तों के साथ ताकि सब लोग इसको अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। एग्जामिनेशन में आएगा ये इस टाइप का। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, Which of the following is the correct formula of AD in two sector? बहुत easy question है। आपको पता है sector चार होते हैं, household, firm, government और rest of the world यानी कि abroad। तो two sector में government नहीं होगा, abroad नहीं होगा, तो household और firm होगा, तो यानी कि consumption होगा household firm का और investment, तो यानी कि consumption plus investment इसका option number C सही है। Next, Which of the following statement is not true? ध्यान रखना, not correct यानी कि not true, गलत कौन सा है ये आपको बताना है, ये नहीं बताना सही कौन सा है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। Positive consumption even when income is zero, income zero होती है तो क्या consumption तब भी कुछ ना कुछ होता है, positive होता है, बिल्कुल होता है। क्या बोलते हैं उस consumption को, comment section में please बताओ। Next, slope of consumption curve is upward sloping। कंजप्शन कर्व का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, अपवर्ड होता है, बिल्कुल अपवर्ड होता है कुछ इस तरीके से। लेकिन ध्यान रखना कंजप्शन जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, कंजप्शन थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, क्योंकि जो इनकम जीरो होती है उस टाइम पे जो कंजप्शन होती है वो ऑटोनोमस कंजप्शन होती है। मतलब कमाई जीरो है तब भी यार इंसान को जीने के लिए तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा ना, कपड़े खरीदने पड़ेंगे ना, तो ये खर्चा करना पड़ेगा। इनकम जीरो है तब भी, अब सर इनकम जीरो है तो पैसा कहाँ से आएगा, तो उसने पिछले साल कुछ तो जोड़ा होगा या फिर वो क्या करेगा उधार लेगा खर्च करेगा, लेकिन ठीक है यानी ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, ये भी ठीक है। सेविंग कर्व इज 45 डिग्री स्लोप लाइन, सही है गलत बताओ। सेविंग कर्व नहीं होता है वो एग्रीगेट सप्लाई होता है, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। जो क्वेश्चन आपके ठीक नहीं जा रहे ना उसको कॉपी में लिख के रख लो, ठीक है, ताकि बिफोर एग्जाम वो आप लिख सको। चलो ये फटाफट बता दो, एस लाइन की जो स्लोप है यानी कि जो सेविंग लाइन है यानी कि सेविंग फंक्शन जो है उसका जो स्लोप है। क्लास देखो, कंजप्शन फंक्शन का स्लोप होता है एमपीसी, सेविंग फंक्शन का स्लोप होता है एमपीएस, तो सेविंग लाइन का स्लोप जो है वो क्या है, एमपीएस है। द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नेवर बी, एपीसी का फॉर्मूला याद है आपको क्या होता है बताओ, सी अपॉन वाई, कंजप्शन अपॉन इनकम होता है एपीसी का फॉर्मूला। तो एपीसी क्या नहीं हो सकता, क्या सी जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, तो एपीसी जीरो तो कभी नहीं हो सकता, एपीसी कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। अच्छा लेस देन वन हो सकता है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि इनकम 500 है कदम 400, बिल्कुल हो सकता है। इक्वल टू वन हो सकता है, इनकम 400, क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, ब्रेक इवन पॉइंट, ये भी हो सकता है। मोर देन वन हो सकता है, इनकम 300 है, कंजप्शन 400, बिल्कुल हो सकता है कि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 400 रुपए की है पर इनकम कितनी 300, बिल्कुल हो सकता है। तो तीनों ऑप्शन सही है, क्या नहीं हो सकता तो कभी भी वो जीरो नहीं हो सकता। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एमपीसी, अब एमपीसी के लिए कौन सा ट्रू है। पहले एमपीसी होता क्या है, इनकम के बदलने से कंजप्शन में कितना बदलाव आया, ध्यान रखना। एपीसी क्या होता है, इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम कर लिया, लेकिन एमपीसी क्या होता है, अगर आपकी इनकम बदलेगी तो भैया कंजप्शन भी तो बदलोगे ना, पहले कम खाते थे कम खर्चा करते थे, इनकम बढ़ गई तो कुछ तो ज्यादा खर्चा करोगे ना, तो वो एमपीसी है। तो एमपीसी के लिए कौन सा सही है पूछा है, ठीक है। तो इट शो द प्रोपोर्शन इनकम कंज्यूम, बिल्कुल गलत, इनकम का नहीं एडिशनल इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम कर लिया उसको एमपीसी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इनकम का तो ये एपीसी हो गया, पूछ रहा है एमपीसी। सेकेंड, एमपीसी कैन नेवर ही मोर देन एमपीएस, यार ऐसा कुछ भी नहीं है, एमपीसी 0.7 हो सकता है, एमपीएस 0.3 हो सकता है, या एमपीएस 0.7 हो सकता है, या एमपीसी 0.3 हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक दूसरे ज़्यादा नहीं हो सकते, ये डिपेंड करता है, ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है, तो इसमें गलत है। आपको पूछा गया है कौन सा ट्रू है, ओके, तो शुरू के तो गलत है। इट शोज द चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन सेविंग, नहीं, इट शोज द चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इनकम, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू कैन बी नेगेटिव, कौन सी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, क्लास एपीसी तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मैं आपको बता दूं ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों 0-1 के बीच रहता है, सिर्फ अकेला एपीएस ऐसा है जो नेगेटिव जा सकता है, क्यों, क्योंकि हमारी बचत माइनस में हो सकती है। जैसे मान लो हमने
इस साल जो कमाया है वो मान लो 600 रुपए कमाया है और खर्च किया है मान लो 800 रुपए, तो हमारी बचत कितनी आ गई, माइनस का 200 ना, सेविंग माइनस का 200 है, तो सेविंग अपॉन इनकम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एपीएस आ जाएगा। तो एपीएस ही अकेला ऐसा टर्म है जो नेगेटिव हो सकता है। ये ऑप्शन नहीं है, ट्रू फॉल्स है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है देश के सभी लोगों के पास काम है, बिल्कुल गलत। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि देश के सभी लोगों के पास काम है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं। क्या बोलते हैं इस चीज को बताओ फटाफट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नहीं नहीं, अपनी इच्छा से बेरोजगार है तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो, अगर किसी देश में 100 लोग हैं और 70 के पास काम है लेकिन ये काम करना भी चाहते थे, इनके पास काम भी है, तो इसका मतलब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में। इसका मतलब ये नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट का कि 100 लोग हैं तो 100 में से 100 के पास काम है, इसका बिल्कुल भी लेना देना। मान लो कुछ लोग काम ही नहीं करना चाहते, कुछ लोग बोलते नहीं कम तनख्वाह में काम नहीं करेंगे, तो इस तरीके से भी अनएम्प्लॉयमेंट आता है जो फुल एम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट, अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ गलती मत करना। द वैल्यू ऑफ डैश कैन बी नेगेटिव, अभी बताया आपको एपीएस नेगेटिव हो सकता है और डैश कैन हैव इक्वल टू वन, वो क्या होता है एपीसी। तो एपीसी जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट पे, ध्यान रखना ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी क्या होता है, वन, क्योंकि सी ओपन वाई कट जाएगा तो एपीसी क्या आएगा, वन। सी ओपन वाई क्यों कट जाएगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे सी और वाई बराबर रहता है। इसका मतलब एस किसके बराबर होगा, जीरो के भाई, कंजप्शन और इनकम, मेरी 100 रुपए कमाई है, 100 रुपए कंजप्शन है, तो बचत कितनी होगी, जीरो होगी। तो एपीएस एपीसी ये हो गया, एपीएस एपीसी, सो ऑप्शन हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए, एपीएस एपीसी। नेक्स्ट, एडी कर्व स्टार्ट्स, अभी तो बताया था कि जीरो से नहीं होगा, थोड़ा ऊपर से होगा, फ्रॉम ओरिजिन गलत, बिलो नहीं, अबव सही, क्लियर है यहां तक। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आप जरूर बताओ क्लास, अगर अच्छा लग रहा है, आपको थोड़ा भी फायदा मिल रहा है तो प्लीज लाइक करो, किसी को अप्रिशिएट करना अच्छी बात है क्लास, आप मुझे अप्रिशिएट करो, मैं और ऐसी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। द वैल्यू ऑफ एपीसी एट ब्रेक इवन पॉइंट, अभी जस्ट बता दिया मैंने पहले ही आपको, एपीसी की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। क्यों, अच्छा क्योंकि सी अपॉन वाई दोनों बराबर होता है तो बराबर कट जाएगा, अभी चार अपॉन चार, पांच अपॉन पांच काटोगे सेम नंबर को तो वन ही तो आएगा। अगर एपीसी वन है तो एपीएस कितना होगा उस टाइम पे, जीरो होगा। तो एपीसी ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होगा, तो एपीसी ब्रेक इवन पॉइंट वन होगा। एपीएस ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होगा, वो जीरो होगा। तो एपीसी पूछा है क्वेश्चन, एपीएस भी आ सकता है। अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ क्लास कि आपको किस तरीके की और वीडियो चाहिए। पूरा एंड तक देखो, पांच क्वेश्चन और बचे हैं, देखते हैं कि कौन 15 में से 15 स्कोर करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ध्यान से क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ो, कौन सा करेक्ट है। आपको पता एमपीसी प्लस एमपीएस वन होता है, ये भी सही है। अब इसको उधर भेज दोगे तो वन माइनस एमपीसी एमपीएस, ये भी, अब दो सही है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, हालांकि सी भी सही है। अच्छा, ये न्यूमेरिकल है, चलो आप पॉज करके अपना आप बना लो, देन फिर उसको देखते हैं क्या आता है आंसर आपका। एमपीसी 0.5 है तो एमपीएस कितना होगा, वो भी 0.5 होगा। इनकम इंक्रीज डेल्टा वाई कितना दिया हुआ, 100। ठीक है, व्हाट विल चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन कंजप्शन कितना आएगा। चलो एमपीसी जो है वो 0.5 है, एमपीएस भी कितना है, फॉर्मूला क्या होता है एमपीसी का, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर डी जो कि है 50। 13, इफ एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। अच्छा देखो, आपको मैंने बताई थी दोनों की वैल्यू जो है वो हमेशा प्लस करोगे तो वन आएगा, यानी कि एमपीसी प्लस एमपीएस को जोड़ने के बाद क्या आएगा, वन आएगा। दोनों इक्वल तो तभी होगा ना जब दोनों आधा आधा होगा, 0.5 0.5, दोनों को मिलाए क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो आप बताओ कि एमपीएस कितना होगा भाई, जब दोनों बराबर है तो एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों ही क्या होगा, 0.5 होगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, बच्चे गलती कर देते हैं। पूरे चारों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर देना। 70% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, मैंने आपको बताया कि एडिशनल इनकम का 70% आप सेव कर लेते हो, तो यही चीज क्या होती है एमपीएस। 70% मतलब 70/100 यानी कि 0.7, तो ये एमपीएस है। और एमपीसी कितना होगा, 0.3 पूछा क्या आपको, एमपीएस तो 0.7। ओके, नेक्स्ट, स्लोप ऑफ सी लाइन, क्लास सी का मतलब कंजप्शन लाइन। देखो कंजप्शन का स्लोप एमपीसी, सेविंग का स्लोप एमपीएस, कंजप्शन फंक्शन पता है ना आपको, ये बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन, इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन एमपीसी। और एस क्या होता है, माइनस ए बार प्लस वन माइनस बी वाई, तो ये जो वन माइनस बी है ये क्या होता है, एमपीएस। तो ध्यान, सी मतलब एमपीसी, एस मतलब एमपीएस। ये मैक्सिमम इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, ऐसे और भी सारे चैप्टर के, पूरे सिलेबस का, माइक
सॉरी मैक्रो का पूरा मैंने कंप्लीट डिटेल डाल रखी है। आराम से फ्री टाइम निकाला करो, वीडियो को देखा करो, शेयर किया करो क्लास थोड़ा हमारे लिए, और सीखा करो क्वेश्चन को अपने लिए। चलो क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।